नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जो बनाने में जितना ही आसान है बनने के बाद उतना ही खूबसूरत। इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए, यानी इवन नंबर में हम कितने भी फंदे डाल सकते हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिज़ाइन बनाने के लिए इवन नंबर में हमें कितने भी फंदे चाहिए, तो मैंने 10 फंदे डाल लिए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो, और अब उनको घुमाकर वापस हम आगे की तरफ लाएंगे। दो फंदा हमने उल्टा बुना, अब उनको घुमाया और वापस अपनी तरफ लाएंगे। नेक्स्ट दो फंदे उल्टा बुनेंगे, अब इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे और उनको वापस अपनी तरफ लाएंगे। यानी हमारा, देखिए ये थ्रेड जो है, ये हमारा थ्रेड है, और देखिए पीछे से घूम के वापस हमारी तरफ आ गया। अब नेक्स्ट दो फंदे हमें उल्टा बुन लेने हैं। दो फंदा उल्टा बुना, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाया, उनको पीछे ले गए, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में, उनको वापस अपनी तरफ। नेक्स्ट दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, अब उनको दूसरी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में, उनको अपने तरफ। तो ये हमारा धागा, देखिए चारों तरफ ये राउंड घूम गया है, यानी इसने दोनों फंदों को बांध दिया है। देखिए ये फंदा इन दोनों फंदों के, ये ऊन जो है इन दोनों फंदों के चारों तरफ घूम गया है। अब लास्ट में दो फंदा बचेगा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे, दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में। अब हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया, अब दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो हमने रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये हमारा तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, अब दोनों फंदों को हम बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको वापस अपनी तरफ लाएंगे। देखिए इन दोनों फंदों के चारों तरफ घूम गया। अब नेक्स्ट दो फंदे उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उनको वापस अपनी तरफ लाएंगे। यानी डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ गया। एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है, तीसरी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ गया। पहली लाइन में हमने दो फंदों से शुरू किया था और तीसरी लाइन में हमने पहले फंदे को स्लिप कर लिया। अब नेक्स्ट दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, उनको बाएं सिलाई में ले लेंगे, फंदों को बाएं सिलाई में ले लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उनको वापस अपनी तरफ। फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई, उनको हम इसी साइड में रहने देंगे और लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये खूबसूरत सा छोटा छोटा बूटी बन के तैयार हो गया है। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और पीछे से ऐसा छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन देखिए, बनाने में आसान और कितना खूबसूरत। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।